गुड आफ्टरनून, मैं हूँ ज्ञानेंद्र सिंह। चलिए आज हम देखते हैं आई रेड एप्लीकेशंस में हम रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। तो आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए सबसे पहले आई आर ए डी एप्लीकेशंस लॉगिन करना होगा। तो ये हमने आई आर ए डी एप्लीकेशंस लॉगिन किया, ऑलरेडी लॉगिन है, आपने खोला जैसे इसमें, तो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, 1 डेज में कितनी एक्सीडेंट हुए, 1 वीक में कितने हुए, 1 मंथ में कितने हुए, 6 मंथ में कितने हुए, इसी प्रकार से ऑल भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे 36 दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल एक्सीडेंट में फेटल कितने हैं, ग्रेवियस कितने हैं, सिंपल इंजरीड जो नॉन हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटलाइज कितने हैं, उन डिटेल दिखा रहा। तो अभी हम देखते हैं रिपोर्ट्स, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, काउंट। काउंट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस पुलिस स्टेशन में कुल कितनी एक्सीडेंट कायमी हुई है, इसी प्रकार से स्टेट का भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मंथ ऑफ द ईयर, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड टाइम ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, डिफरेंट टाइप्स की हैं। चलिए हम कोई एक रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मंथ ऑफ द ईयर देखते हैं। तो ये कौन से महीने में कितनी एक्सीडेंट रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई हैं, मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है मार्च में 1, अप्रैल में 15, मई में 12, तो ये मंथ वाइज है। अभी हम एक सबसे लास्ट में एक रिपोर्ट है स्टेट रिपोर्ट्स, इसको देखते हैं, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ये स्टेट वाइज है, यहाँ पर सभी स्टेट दिख रहे हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर इनकी डिटेल दिख रही है। इसमें आपको ये फेटल, ग्रीवियस, सिंपल इंजुरीड जो नॉन हॉस्पिटलाइज हैं, और सिंपल इंजुरीड जो हॉस्पिटलाइज है, इनकी डिटेल दिखा रहा है, नॉन इंजुरीज की, और यहाँ पर किल्ड, इंजुरीड एंड टोटल दिखा रहा। अब हमें किसी एक स्टेट का देखने से मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्लिक किया, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट दिखा रहा है, आगर मालवा, बड़वानी, डिंडोरी। तो चलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं, जैसे हमें अनूपपुर की रिपोर्ट देखनी है, तो इसमें क्लिक करेंगे और इसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन वाइज रिपोर्ट आएगी। जैसे कि अमरकंटक थाने में फेटल कितने हैं, 0, ग्रेवियस 0, सिंपल इंजुरी जो हॉस्पिटलाइज हैं 2, नॉन हॉस्पिटलाइज 0 हैं, नो इंजुरी 0, तो टोटल 2 एक्सीडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी प्रकार से कोतवाली, अनूपपुर में 9 एक्सीडेंट, तो ये आपको यहाँ पर टोटल एक्सीडेंट रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसे और भी बाकी सारी रिपोर्ट्स हैं, आप चाहें तो ऐसे ही देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें और, एक्सीडेंट्स का ब्लैक स्पॉट भी देख सकते हैं। वो कैसे, मैप में जाएंगे और मैप में क्लिक करने के बाद ये आपको ये डॉटेड एरिया दिखा रहा, जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं एक्सीडेंट केस उनके हिसाब से दिखा रहा है। तो आप ये देखिए, ये ब्लैक स्पॉट बता रहे हैं, अभी तो एक्सीडेंट कम रजिस्टर्ड हुए हैं इसमें, इसमें 2 साल 3 साल का डेटा हो जाएगा, तो मे भी आने वाले फेस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको डायरेक्ट अलर्ट दे कि इस स्थान पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इस टाइम पर ज़्यादा होते हैं, इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको ब्लैक स्पॉट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।